रूहानियत पे चलने का रूहानीत के हसूल का शौक बहुत फरावा है ये और बात है कि उसके पीछे हमारे मकासद क्या है या डीप डाउन हमारे सबकॉन्शियस में क्या है कि हम उस से क्या हासिल करना चाहते हैं बहुत से मौकों पर टीवी वी पर भी और यहाँ भी गफ्तूर हुई तो यही अर्ज किया कि हमारे यहाँ बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि हमने अली इक्राम के बारे में किताबें वो पढ़ी जो मरीजों की लिखी हुई थी और बदकिस्मती से उन किताबों में ज्यादा जोर करामात पर दिया गया है नतीजा ये है कि वो जिस तरह की करामात वहाँ बयान की होती हैं उससे हम इंस्पायर होते हैं और हम एस्पायर करने लगते हैं कि ये कुवतें हमें हासिल हो जाए ये जनरली यही कुछ हमारे सबको है जबकि इन बुजुर्गों की अगर तमाम जिंदगी को हम खुद गहराई से स्टडी करें उनकी अपनी लिखी हुई किताबों को हम देखें तो एक चीज निहायत वाज़े हो जाती है कि ना तो उनके दसो तदीस में कहीं करामात का जिक्र है ना उन्होंने अगर अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जहां बताए हैं उनमें कहीं इसका जिक्र है हाँ अल्बता अगर उनकी गुफ्तू में उनकी तहरीर में करामात का कहीं जिक्र आया भी है तो बड़ी कराहत के साथ आया है करामात को उन्होंने कंडेम किया है उस पर कराहत का इजहार किया है अच्छा नहीं गर्दाना ये रूहानियत की राह दर हकीकत उस वक्त ज्यादा मुश्किल हो जाती है जब हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव करामात या ऐसी कवते हासिल करना है जो और इंसानों के पास ना हो तो हमें फिर बड़ी शिद्दत से मायूसी होती है उसकी वजह यह है कि हमारे तौर तरीके वो नहीं हो पाते अब इस राह का चलन एक ये है कि किाम ने बहुत जोर दिया इस बात पर कि इंसान को कल की फिक्र ना हो इंसान को अपनी रिस्क रोजी की फिक्र ना हो और उन उनक्राम के मुताबिक जिस इंसान को अपने कल की फिक्र हो गई जिस इंसान को अपने कल की रोटी की फिक्र हो गई वो दरवेश नहीं है बल्कि कुछ औलिया कराम का तो कायदा यह रहा कि उनकी खानका में उनके अदारे में अगर कहीं कोई ऐसा आदमी नोटिस हो गया कि जिसको ये फिक्र है कि कल खाना मैं कहाँ से खाऊंगा तो उसके बारे में उन्होंने दूसरे वहां मौजूद फकीरों को ये हुक्म दिया कि इसको यहां से निकाल दिया जाए कि यह बदयानत है सिर्फ इतना सोचना किसी का कि कल रोटी कहाँ से मिलेगी या रोटी कल मिलेगी या नहीं मिलेगी वो अलिया कराम जिनकी करामात का जिक्र करते हम नहीं थकते उनके यहाँ ये आलम है कि एक बड़ी मेजॉरिटी है उन फकीरों की उन औली कराम की उन दरवेशों की कि उन्होंने अपने खान का से निकाल के बाहर कर दिया उस आदमी को जिसको ये फिक्र हो गई कि कल रोटी कहाँ से खाऊंगा मैं बाबा फरीद ने अपनी नशिस्तों में एक नशिस्त में कहीं जिक्र किया एक ऐसे आदमी का जो जंगल में रहता था तो वहां एक दरवेश चला गया जाके उससे मिला उनसे बात बात की और खड़ा सोच रहा था कि ये साहब यहां रहते हैं जहां कई कई सौ मील दूर तक आबादी नहीं है तो ये साहब खाते पीते कैसे होंगे तो इबादत में मसरूफ थे वो बुजुर्ग ये बैठे रहे वहां जब वो फारे हुए तो खाने का वक्त था तो उन साहब ने आसमान की तरफ देखा तो थोड़ी देर में खाना उनको सर्व हो गया तो ये इस बात पे बड़े परेशान हुए कि यह गैब से खाना आ गया मनोस उतर आया और खाना जब खा चुके तो उन साहब ने जोर से अपना पांव जमीन पे मारा तो चश्मा जारी हो गया उसके पानी से इन्होंने प्यास बुझा ली तो बहुत मुतासर हुए ये साहब जब चलने लगे उनसे हाथ मिलाने लगे तो देखा उनका राइट हैंड कटा हुआ है तो उनसे पूछा कि खैरियत ये क्या हुआ तो उन बुजुर्ग ने इनसे कहा कि असल में हुआ ये कि मैं इस गार में आके बस गया था और अपने रब को याद करता रहता था एक दिन मैं गार से बाहर निकला तो गार के मुंह पर जमीन पर एक दीनार पड़ा था क्योंकि यहाँ आमदोरफ्त है नहीं कोई आदमी आता नहीं तो मुझे ये गुमान हुआ कि शायद ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ दीनार है मेरे अखराजात के लिए तो मैंने उस दीनार की तरफ हाथ बढ़ा दिया अभी दीनार को टच नहीं कर सका था तो निदा आई कि तुमने वादा खिलाफी की है यहां आके तुम बसे थे इस तवक्कल पर के मैं तुम्हें रेज कता करूंगा तो आज इस दिनार को तुम उठाने लगे हो तो ये अभी निजा खत्म नहीं हुई थी तो मेरे हाथ में तलवार थी वो मैंने न्याम से निकाली और उससे अपना हाथ काट के फेंक दिया कि ये हाथ इस लायक नहीं कि मेरे साथ रह सके जिसने अल्लाह पर भरोसे में यूं खल डाल दिया है तो ये बुजुर्ग जिन्हें हम इस बुलंद मकाम पर बिठाते हैं और उनसे हम इंस्पायर होते हैं उनको आइडियलाइज़ करते हैं हम उनका तो ये आलम था कि हर तरह के फिक्र से आजाद और रब पर भरोसा ये कि कल की सोच नहीं है होता ये है कि जब इंसान रब पर यूं भरोसा करने लगता है और दुनिया से मुंह मोड़ लेता है दुनियावी माल से दुनिया के कामों से वो तो जो हटा लेता है उसको फिक्र नहीं रहती तो ये एक अजीब हमने कानून फितरत जिंदगी में देखा कि जिस शख्स ने भी दुनिया से मुंह मोड़ा और दुनिया से दूर भागा दुनिया उसके पीछे भागती रही और जो शख्स दुनिया की फिक्र में मुबतला हो गया दुनिया के पीछे भागा दुनिया उससे आगे भागती रही अब सारी उम्र दुनियावी माल का तकुब करता रहा लेकिन दुनियावी माल उसको हासिल नहीं हुआ कभी ये असूल सिर्फ दुनियावी माल तक ही मौजूद नहीं है बल्कि हम जितने हाजरीन यहां तशीफ रखे हुए हैं हम अगर अपने अपनी अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो एक अजीब और गरीब फिनोमिना हमें दिखाई देगा अपनी जिंदगी में जिस काम की हमने बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश की कि ये हो जाए जिस काम के लिए हमने पूरी शिद्दत के साथ दुआएं करना शुरू कर दी वो काम कभी नहीं हुआ हम अपने अपनी अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं ये खुद आप पे जाहिर हो जाएगी बात लेकिन अगर किसी चीज की ख्वाहिश हुई उसकी तरफ एक नजर देखा और फिर भुला दिया उसकी फिक्र छोड़ दी अगर कोई काम दरपेश है हमने उस काम के बारे में सोचा दिल में ख्याल आया कि ठीक है अल्लाह को मंजूर है अगर होना होगा तो हो जाएगा अगर हम अपनी जिंदगी पे नजर दौड़ाएंगे तो जिस काम की तरफ से हमने तो जो हटा दी उसको रब के करके भूल गए हम जिस खाश को रब के करके भूल गए तो कहा कि अगर देना होगा तो रब दे देगा वो चीज हमेशा हासिल हो गई वो काम हमेशा हमारा हो गया और बड़ी जल्दी होता है इंसानी जिंदगी बहुत मजे की चीज है अगर इसको हम एनालाइज करते रहे छोटे छोटे वाक्यात को पकड़ के देखते रहे तो बड़े इंटरेस्टिंग सबक मिलते हैं अब ये जो सूरत हाल मुझे रोज पेश आती है कि मेरा कोई काम अटका होता है तो मैं ऑफिस भी नहीं जाता कहीं नहीं जाता मुझे तलाश होती है पीठ साहब की जिनसे जाके मैं दुआ करा लूं कि ये काम हो जाए और आमतौर पे होता यही है कि मैं कोशिश करता हूं कि हर घंटे के बाद उन पीर साहब का दरवाजा दुआ कर दीजिए तो इस जमाने में ये जो हाल मैं पीरों के साथ करता हूँ कि उनका दरवाजा छोड़ता ही नहीं कि ये दुआ कर दीजिए वो ये वाकया मेरे साथ भी पेश आ गया कि आमतौर पे वो रेगुलरली जा रहा था ऑफिस तो घर से मुझे निकलना होता था जल्दी जाते हुए मैं सबसे पहले अपने मुर्शे साहब के यहाँ हाजिरी देता था उसके बाद देखिएगा सड़े पर बैठ के फुटपाथ के किनारे ड्यूटी देना होती थी मुझे तो उस ड्यूटी से फारिग होके फिर मैं ऑफिस जाता था तो इसलिए घर से सात बजे निकल जाता था आमतौर पे तो वो पौने सात के करीब घंटी बजा करती थी कॉल बिल तो एक कहते थे कि शाहब दुआ कर दे मेरी मंगनी न टूट जाए ठीक है जब मैं दफ्तर जाने के लिए घर से निकलता था सात बजे तो साहब फिर खड़े होते थे तो गाड़ी में बैठते हुए मेरे जो जुमला सुनने में आता था शाहब दुआ कर दीजिए मेरी मंगनी न टूट जाए जिस चौराहे पर गाड़ी मेरी रुकती थी तो मेरे साइड की विंडो पर नॉक होता था तो देखा वो साहब मोटरसाइकिल पे होते थे दुआ कर दीजिए मेरी मंगनी न टूट जाए तो जब तक मैं मैयानी साहब कब्रस्तान में नहीं पहुंचता था तो हर चौराहे पे वो दुआ कराते रहते थे कि मेरी मंगनी न टूट जाए तो वो एक दिन जुबान से निकल गया कि यार आपको मंगनी की इतनी फिक्र है तो मैं दुआ कर देता हूँ कि आपकी जो शादी एक साल के बाद होनी है वो चंद दिन में ही हो जाए वो एक अजीब इतफाक हो गया इसमें कोई वो मेरे कहने का कोई दखल नहीं था इतफाक ही था कि पंद्रह दिन में उनकी शादी का कार्ड मेरे पास आ गया कि नेक्स्ट वीक शादी है शादी हो गई तो शादी के ठीक पंद्रहवें दिन फिर सुबह पौने सात बजे मेरी डोर बजी देखा वही साहब खड़े थे अब क्या हुआ खैरियत दुआ कर दे मेरी जान छूट जाए तो रब रबताला बाजात यूं गले में फंदा डाल देता है तो हम अपनी दुआओं के बारे में अगर मोहतात हो जाएं और रब पर मामला को छोड़ दें आमतौर पर आदमी फायदे में रहता है किसी ने एक ईमेल मुझे भेजी थी कोई पंद्रह दिन पहले पीटीवी पर रात गए प्रोग्राम में मैं आया हुआ था उस पर उन्होंने ये ईमेल मुझे भेजी है आई वॉज वॉचिंग You in program Rat Gay on thirty first March twenty twelve at eleven thirty, in which a woman was singing in your presence. I'm confused when I saw this. My question is that should I allow my husband and sons to attend such gatherings? If you have a level in status, standing knowledge, don't you think media was अनजस्ट एंड एक्सप्लाइडेड यूर स्टेटस बायिंग सच पीपल सेट इन दैदरिंग बिकॉज ऑफ सच पीपल इन योर शो टूडे मैनी पीपल है अब बात यह है कि मैंने उन्हें ये लिखा था कि मैं एक तो आमतौर पर आधी सतर अंग्रेजी में लिखने के बाद मेरी अंग्रेजी खत्म हो जाती है मुझे उर्दू में लिखना पड़ता है इससे आगे मेरी अंग्रेजी खत्म हो गई है तो मैं लिख नहीं पाता लंबा जवाब दूसरा तो हाथ से लिखने की आदत नहीं तो इस वजह से उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं यूट्यूबे बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन इसमें इन्वॉल्व है तो अगर आप इजाजत दे दें तो मैं कल के नशिस्त में जुबानी जवाब दे दू बात यह है कि हम इस्लाम में मुख्तलिफ जो चीजें हैं उसमें हमारे अंदर बड़ी शिद्दत आ जाती है मौलाना मौजूदी से किसी साहब ने दाढ़ी के बारे में रेश मुबारक के बारे में सवाल पूछा था तो जनाब मौलाना मौजूदी ने इसका जो जवाब दिया वो मेरे नजदीक तो खूब था मौलाना मौजूदी ने फरमाया कि इस्लाम में दाढ़ी है दाढ़ी में इस्लाम नहीं है लेकिन हमारे अंदर बहुत शिद्दत है इसी तरह कुछ लोग जो मौसीकी को भी कहते हैं कि इस्लाम ने मना किया है उनके उसमें शिद्दत है काफी जबकि जब आप अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त तशीफ ले गए थे मदीना मनवरा, तो मदीना की बच्चियां दफ पर वेलकम के शेर पढ़ रही थी और किसी साहबी ने मना किया तो आपने फरमाया कि नहीं इन्हें ये करने दो तो वो वो भी एक मिसाल हमारे पास है दफ बहरहाल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और अरब में बड़ा पॉपुलर है फिर औली की एक बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो समा को न सिर्फ जायज समझते हैं बल्कि उनके यहाँ महफिल समा बड़ी पाबंदी से मुनकद होती का ज्यादातर का इन मौसीकी के बारे में यह है कि अगर मौसीकी इंसान को रब की याद दिला दे रब की तरफ मुतवज हो जाए तो वो जायज है और अगर रब से गाफिल कर दे तो ना जायज ये अक्सर उलमा कराम फरमाते हैं ये प्रोग्राम जिसको इन्होंने रेफर किया है ये शाह हुसैन की याद में पीटीवी ने टेलीकास्ट किया था और वो जो खातून गा रही थी वो शाह हुसैन की काफियां थी वो फिल्मी गाने नहीं थे सूफियाना कलाम था शाह हुसैन का और जिस तरह से कवाली में साज इस्तेमाल होते हैं इसी तरह उसमें वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे और उनके साथ एक और मर्द आर्टिस्ट भी थे साई हैदर वो भी शाह हुसैन की काफिया सुना रहे थे तो अगर सुफियाना कलाम सुनकर हमारा दिल रब की तरह मतवो होता है तो मेरे ख्याल में उल्मा कराम के फतवे के मुताबिक मैं तो खुद मुफ्ती नहीं हूँ फतवा देने का मुजाज़ नहीं हूँ लेकिन वो जो मुफ्ती भी हैं, और उन्होंने ये फरमाया है तो हमें ये देख लेना चाहिए कि अगर तो वो कोई ऐसी महफिल होती जहां पर बजाय रब याद आने के रब से गफलत होने लगती तो उस पर एतराज किया जा सकता था लेकिन चूंकि वो था ही सुपियाना कलाम हाँ उसके अंदर अलबत् एक चीज जरूर है कि ये कहा जा सकता है कि वो खातून चेहरे को नहीं अपने कवर किए हुए थी लेकिन अब इस पर भी दो राय शुरू हो गई हैं हम सऊदी अरेबिया में देखते हैं कि उनके टेलीविजन पर खुतिन न्यूज कास्टर्स भी हैं और उनकी आर्टिस्ट भी हैं लेकिन वहां उलमा ने उस पर एतराज अभी तक नहीं किया तो मैं वहां बतौर गेस्ट गया था मैं ज्यादा से ज्यादा जो एहतियात कर सकता था वो मैंने कर ली थी वो प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली मेरा नहीं था तो बतौर गेस्ट स्पीकर के गया हुआ था इस सिलसिले में अगर मुझे मौका मिला कभी तो मौजूदा इमाम काबा तो नहीं है पहले जो इमाम काबा थे उनसे मेरी राह रस्म थी तो मैं किसी उनसे बात जरूर ये पूछूंगा कि इसके बारे में उनके व्यूज क्या हैं तो फिर इनशाला उस पर अमल करूंगा

ना मेरे पढ़ने में कहीं आया ना सुनने में कभी आया ये जरूर है कि ये मैं जानता हूं कि जो साथ के साथ लताइफ हैं ये उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जब हम अपनी जात के अंदर एक कॉम्बिनेशन डेवलप कर लेते हैं वो है पारसाई का और नेकी का जब हमारी जात में पारसाई आ जाती है जो कि इबादत से आएगी जिक्र अजकार से आएगी और नेक सोच से आएगी और नेकी हम अपने नफ्स को मारकर अपने नफ्स की मुखालफत करके उस राह पर जब हम चलते हैं जो अल्लाह ने बताई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस राह को अपनी अमली जिंदगी की सूरत में हमारे लिए छोड़ गए हैं तो जब हम उसकी इत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की तो ये एक कॉम्बिनेशन बन जाता है हमारा पारसाई और नेकी का इस पारसाई और नेकी के नतीजे में हमारी रूह सिर्फ यह साथ लतफ ही क्या पूरी की पूरी रूह लतीफ होने लगती है उसमें बाली आने लगती है जो हजरात इन लतफ पर तोजो देते हैं कि वो सातों के साथ और लतफ को वन आफ्टर दी अदर डेवलप कर लें वो मुख्तलिफ किस्म के जिक्र असकार करते हैं लेकिन आमतौर पर जो तजर्बा हुआ है वो ये तजर्बा हुआ कि या तो वो अमलियात की तरफ निकल जाएंगे या कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे अगर तुम तो ऑब्जेक्टिव हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रब की दोस्ती है उसका कुर्ब है तो फिर हमें सिर्फ लताइफ पर तोजो देने के बजाय कि ये लताइफ हमारे डेवलप हो जाएं, एक्टिवेट हो जाएं, हमें अपनी रूह की बालिदगी पर जोर देना होगा ये लताइफ खुद ब खुद उसके अंदर कवर हो जाएंगे लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव हमारे कुछ और हैं तो फिर हम इन लताइफ को उजागर कर सकते हैं कि जैसे हम एक दिन एक नौसेल से सांस लें और उसको उसी से एक जेल करें अगले दिन दूसरी नौसेल से हम सांस लें उसी से एक जेल करें फिर तीसरे दिन हम एक नौशन से इनहेल करें दूसरी से एक्सेल करें और जिक्र के साथ हम फिर सांसी की एक और एक्सरसाइज कर लें कि इनहेल तो करें हम बड़ा स्मूथली उसको और एक्सेल हम करें झटके के साथ और जरब लगा के ये इस तरह की एक एग्जाम्पल आपको मैंने दी है तो ये लताइफ उजागर होने लगेंगे हमारे लेकिन मेरी मालूम की हद तक ये रब का कुर्ब नहीं हासिल करके देगा कोई क्योंकि यही एक्सरसाइज जोगी भी करते हैं साधु भी करते हैं भक्षु भी करते हैं राबी भी करते हैं क्रिश्चियनिटी में सेंट्स भी करते हैं उनकी भी ये कुतें बेदार होती उनको इस्तदराज हासिल हो जाता है अगर किसी अल्लाह से मुसलमान सेंट से अगर कोई खिलाफ फितरत महावरा फितरत कोई हरकत सरजद होती है तो हम उसे करामत कहते हैं वही चीज अगर एक नॉन मुस्लिम से सरजद हो तो हम उसे इस्तदराज कहते हैं तो ये इस्तदराज तमाम मजाहब में हासिल हो जाता है ये थ्रू एक्सरसाइज है देखने की बात यह है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हम अल्टीमेटली कहां पहुंचना चाहते हैं अगर तो जन्नात को काबू करना है तो उसके तो बहुत ही वो मामूली चीज है मुख्तलिफ जिक्र अजकार हैं वजाइफ हैं उनको कर लिया जाए हम किसी रूह के आमिल बनना चाहते हैं उस एक बड़ा मामूली सा अमल है तीन दिन में हो जाएगा वो अगर हम कराम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जिक्र अजकार हैं हमारे मुख्तलिफ लताइफ उजागर हो जाएंगे और उससे वो करामत सरजद होने लगेंगी। ले लेकिन उसका हासिल क्या है हम पहुंचेंगे कहां मुसलमान का मनतहा नजर तो ये है कि उसे रब मिल जाए रब की दोस्ती मिल जाए तो ये लताइफ को उजागर करने से रब की दोस्ती नहीं मिलती है रब की दोस्ती हासिल करने का बस वही एक ऑथेंटिक तरीका है जो मैंने अर्ज किया कि इबादत की जाए अखलास के साथ ताकि उससे हमें पारसाई मिल जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की तबाह की जाए तमाम मामला में ताकि हम नेकी की राह तैयार कर लें तो ये पारसाई और नेकी का ब्लेंड जो तैयार होगा वो कुरब इलाही हासिल कर देगा हमें अभी आप वो, मैंने भी वो शहन का प्रोग्राम देखा था तो मेंटली हम इतना लोएस्ट लेवल पे चले आई थिंक शी वाज लॉस्ट इन वज़ह और वो जो कंसंट्रेशन होती है अल्लाह या उसके रसूल के दरमियान तो शी वॉज मूविंग तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी सेकेंडली बात हो रही थी कि शाह हमें जो प्रॉब्लम आ रही है ना उस तरफ आना चाहिए कोई ऐसा पी साहब जो दुआ कर दे कि 24 घंटे में से चार घंटे ही बिजली मिल जाए जो बिजली मैं अपनी बेगम से वादा किया कि सोलर सिस्टम तुझे लगवा देता हूँ मैंने सोचा तीन लाख चार तीन ढाई लाख का होगा बट आई एम बिंग टोल्ड इट विल कॉस्ट अबाउट सिक्स लैख तो आ ये भी कर दे कि कहीं शादी टूट ना जाए अल्लाह देखिए जब इंसान पब्लिक अपियरेंस देता है तो वो माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाता है लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू उसका लेने लगते हैं और हम में से हर आदमी उन चीजों को उसी तरह व्यू करता है जो हमारे देखने के एंगल्स हमने डेवलप कर लिए होते हैं लेकिन सवाल पूछना हमारा हक है और सवाल पूछने से बहुत से अभाम क्लियर हो जाते हैं अल्लाह की राह में सवाल पूछने से मना नहीं किया जाता खास तौर पर अगर एक शख्स इल्म हासिल करने की नियत से सवाल करता है तो उसको वेलकम किया जाता है जिन्होंने वो सवाल पूछा किसी गैर मुल्क से वो उनका हक है और इस जवाब से हो सकता है कि उनका जहन क्लियर हो जाए और जो अपने हस्बैंड और अपने साहबजादे को रोकती हैं अगर वो महफिलें ऐसी हैं जहां सुफियाना कलाम सुनाया जा रहा है या का जिक्र हो रहा है पैगम्बरों का जिक्र हो रहा है रब का जिक्र हो रहा है तो वहां कोई हर्ज नहीं कि अगर उनके हस्बैंड और उनका बेटे इस तरह से बैठ जाए कि इस्लाम में जो पर्दे के अहकाम हैं, वो वायलेट ना हो रहे हों जिन साहब ने लताइफ के बारे में सवाल पूछा था उन्हीं का अगला सवाल यह है कि प्रॉफिट सू रिसाइट एंड मेमोराइज यासी मुल्क दिस इज बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर टू डू दान ऑफ मैंफिटिंग दी सेम सुरा मैं ताला नेक्स्ट इन दोनों कोशिश करूंगा मैं आज ही कर देता लेकिन अभी नहीं होगा किसी ने सवाल पूछा है कि ये बता दें कि क्या सुरह तकाबुन पढ़ने से इंसान को उस शख्स की निशानदेही हो जाती है जो कि उसका मुर्शद या गाइड हो तो की राह में हमें चाहिए कि इन चीजों से इन तस्वुरा से बाहर आ जाए ये जो हमने अजीब गरीब कायम किए कि मुर्शद नहीं होगा तो रब नहीं मिलेगा रब तो हर हाल में मिलता है हम बजाय इसके के मुर्शद की तलाश में अपना वक्त जाया करते अगर वही हम याद इलाही में गुजार दें या नेकी की राह पर चलने में गुजार दें तो उसके इनामत की बारिश हम पर हो जाएगी रफ्ताला का अपना एक निजाम है उसने हर काम का एक वक्त मुकर किया है जब आपके मुर्शद साहब के मिलने का वक्त आपसे आएगा तो वो अस खुद कहीं ना कहीं से रफाला बंदोबस्त कर देगा आपके मुर्शद आपको मिल जाएंगे और आपकी तरबियत फरमा देंगे इस बात में परेशान न हुई अब ये मैंने किस ये इसी यहीं पर किसी निश्चित में ये अर्ज किया था आपसे कि हम अपनी जात पर ये कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि रफ्ताला ने कुरान पाक को इसलिए उतारा था कि हमें वो राह हिदायत दिखाए और राह हिदायत उस वक्त तक देखी नहीं जा सकती जब तक कि हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए तो जो कुरान हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालता है हम उसकी मुख्तलिफ सूरतों को उसकी मुख्तलिफ आयात को दुनिया कमाने ही के लिए इस्तेमाल करते हैं दुनिया भी काम हो जाए मेरा ये काम हो जाए मेरा वो काम हो जाए ये सूरत पढ़ो ये आयत पढ़ो कुरान पाक की तो तलावत इस तरह से हमें करनी चाहिए यह सोच के कि हम रब से हम कलाम हो रहे हैं तो जब हम उसकी तलावत इस नीयत से करते हैं कि मैं अपने रब से हम कलाम हो रहा हूं उसके इनामात फिर रूहानी होते हैं और रूहानी इनामत दुनियावी इनामात से कही बालत रहे और मजा ये है कि रूहानियत जब एक खास हद पर आती है तो दुनिया आज खुद हासिल हो जाती है दुनिया पीछे पीछे घूमती है फिर तो आप खुद तगाब उनको इसलिए न पढ़िए कि आपके मर्शद मिल जाएंगे एक बहुत छोटे मकसद तक महदूद हम कर लेंगे उसके इनामत को हम बड़े मकसद पर इसे इस्तेमाल करें कि हमसे जो रूहानी कोताहियां हो गई कोई हमसे पढ़ाइयों में गलतियां हो गई ये उसका मदावा कर देगी और हमारी रूह को इस तरह से ये तरतीब दे देगी कि हम अल्लाह की राह पे चल निकलेंगे वो एक बहुत बड़ा फायदा है दूसरा सवाल साहब ने पूछा है कि गुस्से के अंसर को अपनी जात से निकालने का रास्ता क्या है ये मैंने पहले भी अर्ज की थी गुस्सा हमारी फितरत का हिस्सा है और हमारी हिफाजत के लिए बहुत जरूरी भी है लेकिन इस गुस्से को बेलगाम घोड़ा न बनने दें हम इसकी लगामे अपने हाथ में रखें इसका कंट्रोल हम अपने हाथ में रखें जब हम गुस्से से बेकाबू होने लगते हैं तो इसका आसान तरीन रास्ता ये है कि मैंने इसे बड़ा इफेक्टिव पाया कि हम ये याद कर लें कि मैं जिस हस्ती सल्ला वसल्लम का उम्मती हूं आप सल्ह वसल्लम गुस्सा पी जाते थे तो मैं उसी सुन्नत पर अमल करूंगा कि मैं अपने गुस्से को पी जाऊंगा तो जब हम ये पंद्रह सोलह बार बीस बार करते हैं तो फिर ये आदत बन जाती है कि हम अपने गुस्से को पी जाते हैं इससे काबू में आ जाता है गुस्सा तीसरा सवाल इन साहब ने किया है कि अक्सर इंसान बाय नेचर लालची और बेसब्र होते हैं वो चाहते हैं कि डिजायर्ड रिजल्ट्स फौरन मिलना शुरू हो जाए रूहानी तौर पर क्या रूहान की राह में में ऐसा मुमकिन है कि थोड़े अरसे में कुछ देर का मुशाह हो जाए ताकि इंसान का यकीन अपने रब की शान पर और कुदरत और ताकत पर पुख्ता हो जाए और रूहानियत के बाकी के 95 फाइव परसेंट रास्ते पर यकीन एतमाद और कदमी से चले रूहानी राह अकल और लॉजिक से बाल है हम उस राह में ना लॉजिक को दखल दे सकते हैं ना अपनी अकल से काम लेकर किसी मकाम को जा पहुंच सकते हैं और फिर रूहानियत के एक बड़ा सीधा सादा अफूल है कि जिस इंसान को ये बेचैनी रही कि मुझे कुछ मिला या नहीं मिला वो हर नमाज पढ़ने के बाद अपने आप को खंगालता रहा कि मुझे आज कुछ मिला या नहीं मिला क्योंकि एक नमाज पढ़ ली मैंने को तो इस राह में कुछ नहीं मिलता इंसान वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है जिस शख्स ने इस मिलने से बादातर होकर कि मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा अपने रब को पुकारा कि मैं सिर्फ अपने रब को पुकार रहा हूं उसे सब कुछ मिल गया और बड़ी जल्दी मिला देखकर तो सभी ईमान लाते हैं जो बगैर देखे अपने रब पे ए, तो पर ईमान लाए उसकी कवतों पर ईमान लाए वो बहुत अफजल और बालातर ईमान का दर्जा है वो तो अगर हम कुछ देखकर रब पर ईमान लाए तो हम लोअर दर्जे पर कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं तो हम गैब पर ईमान लाए जो आला दर्जा है ईमान का ना तो इस तांग में रहिए कि मुझे कुछ मिला कि नहीं मिला वरना कुछ नहीं मिलेगा और ना ही ये सोचें कि मैं अपने रब पे उस वक्त पुख्ता ईमान लाऊंगा जब मैं अपने रब को देख लूंगा उसकी कुदरत को देख लूंगा उस, उसके असरार को देख लूंगा फिर कभी नहीं पहुंचेगा इंसान अगर इस किस्से में रहा ये रूहानियत में नाकामी का आसान नुस्खा है इस किस्म की ख्वाहिशात एक क्वेश्चन है मेरा कि हम अपने ख्याल की असलाह किस तरीके से करें ताकि हमारी नेगेटिविटी कम होती है और पॉजिटिविटी आती है क्योंकि शुरू का जो ट्वेंटी ट्वेंटी था वो ये सही लगता है कि ख्याल के साथ इंसान गया इसके बारे में तो बता दे बहुत आसान तरीका है हर चीज की सोच से है जैसे इंसान की सोच की असलाह इस, हो गई उसके तमाम अमाल की असलाह खुद हो जाएगी जब हमारे जहन में कोई सोच आती है तो हम उस सोच को उस कसौटी परख पर लें, जो हमारे पास मौजूद है आप सलम के हयात तयबा कि आप वसल्लम ने कभी ऐसा अमल फरमाया जो मैं सोच रहा हूं करने का नहीं फरमाया तो उसको उस ख्याल को रद्द कर दिया जाए और अगर हयात तयबा से कोई नजीर मिलती है तो उस पर अमल कर लिया जाए तो सोच की असलाह खुद होने लगती है इन्हीं साहब का एक और सवाल है कि रूहानियत के रास्ते पर चलना मेरी चॉइस है और मैं इस बात के लिए भी शायद तैयार हूं कि जो दुनियावी मुश्किल इम्तान के तौर पर इस राह में आए खास तौर पर माली तंगी वो भी मैं बर्दाश्त करूंगा लेकिन अगर मेरी फैमिली जो माली मामला में मुझ पर इहसार इनह, करती है वो भी तो इस माली तंगी से मुतासर होंगे जबकि उन्हें फीस जमाना मेरी रूहानियत के चलने से कोई दिलचस्पी नहीं तो ऐसे में क्या किया जाए कि उनके माली मामला मुतासर न हो मेरी कोशिशें भी जारी रहें? इस्लाम हमें रहनीत नहीं सिखाता तरक दुनिया नहीं सिखाता बल्कि मुखालफत करता है तरक दुनिया की हम रूहानियत की राह पे चल सकते हैं बगैर दुनिया को तर्क किए है हम सबक हासिल करें आप सल्लाह वसल्लम की है तयबा से कि आप वसल्लम ने दुनिया निभाई है दुनियादारों से ज्यादा और आपने दिन निभाया है दीनदारों से ज्यादा हर मामले में एक्सेल किए हैं आप वसल्लम ज़िंदगी का कोई शोबा कोई पहलू ले लीजिये उसमें वो एक्सेल किए हुए हैं उनसे बेहतर इंसान अब अभी तक नहीं आया दुनिया में ना कभी कामत का तक अगर हम उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर लें, तो हम मंजिल को जा पहुंचेंगे माली तंगी अपनी सह लें लेकिन अपने डिपेंडेंट्स तक वो तंगी वसा न पहुंचने दें लेकिन जो चीज हमारे अख्तियार से बाहर हो जाए उस पर जवाबदेही नहीं है अल्लाह के बड़े आराम से ये रास्ता तय हो जाएगा ये जो सोचे हैं, जो ये मामला डेवलप हो जाते हैं कि फैमिली की तरफ से बड़ी शदीद मुखालफत आती है रूहान की राह पर चलने की ये भी उसी टेस्ट का हिस्सा है जितने ज्यादा दुख मिलेंगे अपनों से इंसान को इंसान की तरक्की रूहानियत में उतनी ही ज्यादा होती है जब उनको वो बहुत खामोशी और सब्र के साथ सहता है जुबान पे उफ नहीं आती किसी से को गिला शिकवा नहीं करता किसी पर जाहिर ही नहीं करता कि तुमने मुझे कितना बड़ा दुख दे दिया है हंसता रहता है तो इंसान की रूहानी तरक्की ज्यादा होती है एक बात पे फिर बार बार मैं जोर दे दूंगा जो बुरा लगने की हद तक शायद एम्फेसिस हो कि इसमें अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिएगा रूहानियत में इंसान बड़ी तेजी से ट्रैक से उतर जाता है नजर इस पर रहे कि मुझे रब चाहिए नश्फ वाम मुझे चाहिए ना कोई कुवतें चाहिए ना कुछ और चाहिए ना मुझे कोई सैर चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ रब चाहिए वहां नजर जमा के रखिए और सफर जारी रखें अपना इनशाला तला उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे लेकिन डिस्ट्रेक्शन बहुत आएंगी इस पर इशाला फिर किसी वक्त बात करेंगे वालेकुम अच्छा